कहते हैं कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से किया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के किसानों ने। दरअसल 3 साल पहले यहाँ के किसानों ने प्रयोग के तौर पर ब्लैक राइस का उत्पादन शुरू किया था, और अब चंदौली का ब्लैक राइस किसी पहचान का मोहताज नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने चंदौली के काले चावल की तारीफ की है। यही नहीं, चंदौली में किसानों द्वारा ब्लैक राइस की पैदावार किए जाने की वजह से नीति आयोग की ताजा रैंकिंग में भी चंदौली को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है, जिसको लेकर स्थानीय अधिकारी और किसान बेहद उत्साहित हैं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अंतर्राष्ट्रीय संस्था दा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जनपद चंदौली में काले चावल की खेती की सराहना की गई है। साथ ही आकांक्षात्मक जनपदों में 2018 से अब तक हुए चेंजेस में जनपद चंदौली को पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद चंदौली में एक अभिनव प्रयोग करते हुए काले चावल की खेती प्रारंभ की गई थी। इसमें किसानों का नेट लाभ लगभग 4 से 5 गुना अधिक प्राप्त हो रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली के किसानों की मेहनत रंग लाई है। आज चंदौली का काला चावल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। काला चावल शुगर फ्री तो है ही, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट सहित कई अन्य औषधीय गुण भी हैं, जिसकी वजह से ये काफी महंगा भी है, और इसका उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी में 4 से 5 गुना इजाफा हुआ है। ब्लैक राइस की कीमत तकरीबन 300 से 400 रुपए प्रति किलो है, और यही नहीं, इसकी खेती में लागत भी कम है। खास बात ये भी है कि ब्लैक राइस में किसी भी तरह की कीटनाशक दवा या खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ जैविक खाद कंपोस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ब्लैक राइस कैंसर के अलावा दिल की बीमारियों से भी बचाता है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा चंदौली में काले चावल की खेती की सराहना की गई है, ऐसे में उम्मीद है चंदौली समेत देश भर के और भी किसान इससे प्रेरित होकर ब्लैक राइस उत्पादन में अपनी भूमिका निभाएंगे।